क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपने पढ़ा उसे आप कभी ना भूलें या उसे बहुत दिनों तक याद रख सकें। आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं जिससे आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और ये तरीके एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, इस नंबर को पढ़ने के बाद आप इसे कितने टाइम तक याद रख पाएंगे? मुश्किल से कुछ समय तक, एक या दो दिन तक। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस नंबर को आप एक महीने दो महीने तक याद रखें तो क्या ये पॉसिबल है? तो कैसे इस तरह के नंबर्स को आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, वो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हम इस नंबर को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये स्टोरी कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है। एक राजा था, उसकी तीन रानियाँ थीं, सभी का एक एक बेटा था, उनके पास कुल 8 महल थे। पर यदि सभी को तीन तीन महल दे देते तो एक महल कम होता, तो उन्होंने प्रत्येक को 2 महल दिए और बचे हुए 2 महल अपने पास रख लिए। तो अब ये एक स्टोरी में कन्वर्ट हो गया, और इसको आप इस स्टोरी को एक या दो बार रिपीट करके इसको काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये केवल एक नंबर की बात नहीं है, कि किसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें अभी भी याद करते हैं और उसको आप और बाकी चीज़ों के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। ये मैथमेटिक्स का बॉड मास का एग्जांपल है, और इसको आप में से अधिकतर लोगों ने इस्तेमाल किया है। इस एग्जांपल में आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए एक स्पेशल फार्मूला यूज़ करते हैं कि पहले प्लस करना है या माइनस करना है या डिवीजन करना है या मल्टीप्लाई करना है। अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं, बट ये बॉड मास जो है आपको ये याद दिलाता है कि पहले आपको कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए। इस ट्रिक से न केवल आप सीक्वेंस को याद रख पाते हैं, बल्कि आपके आंसर्स गलत होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। प्राइमरी क्लास के बच्चों को ये स्पेशल ट्रिक जो स्क्रीन पर अभी आ रही है, ये बहुत यूज़फुल है। इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, बच्चों को एक सिंपल सेंटेंस याद कराते हैं, लक्की कांट ड्रिंक मिल्क। क्योंकि अक्सर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि 500 के लिए क्या लगाना है, या 1000 के लिए क्या लगाना है, या 50 के लिए क्या लगाना है। बट लक्की कांट ड्रिंक मिल्क उनको बताता है कि 50, 100, 500 और 1000 के लिए क्या क्या सिंबल्स रोमन नंबर्स में होंगे। और ये वाली ट्रिक तो आपने कई बार यूज़ की है, ये शॉर्टकट है जिससे आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करते हैं। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, साथ में चिकन टिक्का। तो इस मजाक में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद कर लिया है। विबग्योर आपने बहुत बार यूज़ किया है, और इसके थ्रू आप रेनबो के कलर्स को याद करते हैं। ठीक इसी तरीके से क्लास 9th और 10th के बच्चे साइंस की पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं, और पीरियडिक टेबल याद करने के लिए सामने जो स्क्रीन पर दिया है इस तरह के फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, जिससे उनको पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करना बहुत आसान हो जाता है। ये है जहाँ पर बच्चों को सारे प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं। बच्चे अक्सर प्लैनेट के नाम तो याद कर लेते हैं, बट उनकी सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो ये है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज्जास। इस सीक्वेंस में अगर आप याद करते हैं तो आप प्लैनेट्स का सीक्वेंस को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस और प्लैनेट्स की सारी सीक्वेंस आपके माइंड में आ जाती है। हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के कितने बादशाह हुए थे, कौन कौन से वंश के लोगों ने यहाँ पर राज किया था, याद करना बड़ा मुश्किल है, और उनकी सीक्वेंसिंग और भी मुश्किल है। गुड़ खा तसले में, और सीधे आप गु से गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सूरी, लोधी और मुगल वंश। तो आप पूरा जो दिल्ली सल्तनत के सारे वंश हैं उनको उसी सीरीज में याद कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सीक्वेंस बना करके, शॉर्टकट बना करके याद कर सकते हैं। जैसे CBI, जब इंसान ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया तो पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी और बाद में कौन सी धातु का प्रयोग किया। और भी जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए हैं आपको, GPRS है, पटना है, भारत में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर कौन सी मिसाइल्स पहले बनी, उसके बाद कौन सी बनी, बाद में कौन सी बनी, तो वो सीक्वेंस में आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज़ के मेन एलिमेंट्स हैं वो स्क्रीन पर बड़े आराम से पोस्ट कर्व के थ्रू याद कर सकते हैं। और इससे ये भी होता है कि सीक्वेंस में पहले क्या आएगा, पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, फिर कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है, और उसके बाद आखिर में बजटिंग है। तो इस तरीके से बिजनेस स्टडीज़ को भी के भी अलग अलग टॉपिक्स को याद करना आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूँ कि याद करना माइंड को ट्रेनिंग देने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारी माइंड की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी कुछ याद कर सकता है। बात बस इतनी सी है कि आप कैसे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, और कैसे आप बताते हैं कि आपका माइंड चीज़ों को न केवल याद करे बल्कि उसको बहुत लंबे टाइम तक रिटेन भी रखे और रिकॉल कर पाए जब आपको उसकी ज़रूरत हो। तो इस टेक्निक का नाम है निमोनिक्स। तो निमोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, उसको अलग अलग तरीकों से समझाते हैं कि कैसे वो आपकी चीज़ों को, जो भी फैक्ट्स हैं उनको स्टोर करे, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में चीज़ें स्टोर होती है ना, उनको स्टोर करें और आपको जब ज़रूरत पड़े वो उनको रिकॉल भी कर सके। नेमोनिक्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनमें से कुछ टेक्निक्स यहाँ स्क्रीन पर मैंने आपको डिस्प्ले की हैं और इनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। जैसे है फर्स्ट लेटर,
यानी जो भी फैक्ट्स आप याद करना चाहते हैं उनके पहले पहले लेटर्स को इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद उन लेटर्स को लेकर के कोई स्टोरी या कुछ ऐसा सेंटेंस बना लीजिए जो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो। और दूसरी चीज़ है राइम्स। राइम्स कोई भी चीज़ अगर रिदमिक होती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है और हमारे जबान पर भी टिकी रहती है, तो आप राइम्स बना करके भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसको लोसाई मेथड कहते हैं, यहाँ पर हम विजुलाइज करते हैं चीज़ों को। ये विजुलाइजेशन की एक सीक्वेंस में होता है कि जैसे आप मान लो किसी कमरे में एंटर करते हैं और उस कमरे में जो जो सामान रखा है लेफ्ट टू राइट, आप उस सामान को देखते जाएँ और माइंड में उसकी एक पिक्चर बनाते चले जाएँ, और बाद में आप उसको उसी फॉर्मेट में विजुलाइज करके कि यहाँ पर यह था लेफ्ट साइड में दरवाजे के ऊपर, दाई तरफ को ये चीज़ थी, वहाँ पर ऐसी चीज़ थी, इस तरीके से याद करते हुए आप पूरी चीज़ों को विजुलाइज करके भी याद कर सकते हैं। ये मेथड है वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर सोशल साइंस में मैप्स होते हैं या फिर इमेजेस और पिक्चर्स होती हैं, साइंस के डायग्राम्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों को याद करने के लिए आप लोसाई मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है सीरीज़। जब आप किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं ना, तो उसमें उसको एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हुए याद करना। जब हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को तो उनको न केवल याद करना आसान होता है बल्कि उनको रिकॉल करना भी उतना ही आसान होता है, क्योंकि जब आप पहली चीज़ को याद करके आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाता है तो आप उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ को भी याद करते हैं, वो भी फटाफट सब आपके माइंड में आ जाती है। तो यानी सीरीज़ बना करके ना केवल आप उनको याद आसानी से कर पाएंगे बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनको रिकॉल भी आसानी से कर पाएंगे। तो चीज़ों को सीक्वेंस और सीरीज़ बना करके भी आप याद कर सकते हैं कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्लैनेट्स के नाम को सीरीज़ में याद करने के लिए। नेक्स्ट निमोनिक मेथड है स्टोरीज़ बनाना और कहानी बनाना। किसी भी चीज़ को कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में ढाल करके याद करना, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। जो मैंने पहले एग्जांपल आपको एक नंबर का दिया था जहाँ पर हमने उस नंबर को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया था तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया था उसको याद करना, ठीक इसी तरीके से आप न केवल नंबर्स की बल्कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की स्टोरीज भी बना सकते हैं। और इसमें बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये स्टोरीज जितनी अटपटी होंगी उतनी ज़्यादा देर तक आपको याद रहेंगी। तो स्टोरीज़ को बहुत आसान और सिंपल मत बनाइए, उनको अटपटा बनाइए, उनको अनरियलिस्टिक बनाइए, जैसा वास्तव में हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की स्टोरीज ज़्यादा लंबे टाइम तक माइंड याद रखता है क्योंकि उसको कुछ वो डिफरेंट लगती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लो में चीज़ें होंगी माइंड उनको उतनी तेज़ी से याद रखने की कोशिश करेगा ही नहीं। जो अटपटा होगा, जो अलग होगा, माइंड उसको ज़्यादा देर तक याद करने की कोशिश करेगा और उसको मेमोराइज करके रख लेगा अपने पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेजेस। जब आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो उसके उससे रिलेटेड छोटी छोटी इमेजेस, छोटे छोटे फिगर्स, छोटे छोटे ड्राइंग्स बना के रख लें। जब आप नोट्स भी बना रहे हैं ना, तो नोट्स के किनारे पर अगर आपने ड्राइंग्स बना के रखी हैं, छोटी छोटी सी ड्राइंग्स बना के, साइंस सिंबल्स बना के रखे हुए हैं, तो आपके लिए उसको याद करना भी आसान होगा और रिकॉल करना भी आसान होगा। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे और इस पर दी गई टेक्निक्स को अपने नोट्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और इन टेक्निक्स के थ्रू अगर आप नोट्स बनाते हैं और उनको मेमोराइज करते हैं, दो तीन बार भी अगर आप उनको पढ़ लेते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत लंबे समय तक उनको याद रख सकेंगे और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप माई सीबीसी गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।